हेलो दोस्तों, हमारे पास जो आज ये जो पोस्ट अवेलेबल है वो बहुत ही शानदार है और यूएई में है। इस पोस्ट को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों तो वीडियो को आपको एक काम करना होगा, अंत तक देखना होगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा। मैं बहुत सारी इसमें जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि इसमें सैलरी कितना मिलेगा और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से पासपोर्ट के होल्डर के लोग अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा कौन सा मिलेगा, एज लिमिट कितना होना चाहिए और साथ ही साथ इसमें यह भी बताऊंगा दोस्तों कि इसमें कंपनी की तरफ से आपको मिलने वाली कौन कौन सी सुविधाएँ हैं और आपको अप्लाई कैसे करना है इस जॉब के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, अंत तक बने रहेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन दबा के ऑल वाला बटन जरूर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपकी प्रोफाइल इस वीडियो में बताई गई प्रोफाइल से मैच नहीं करती तो आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो को मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ पर जो है अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं और देन आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उनको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे अगर आप वीडियो आप स्किप कर जाते हैं, नहीं देख पाते हैं यूट्यूब पे, तो आपको वहाँ भी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो आज मैं बताने वाला हूँ दोस्तों यूएई की जो है शानदार पोस्ट। पहली पोस्ट जो है इलेक्ट्रीशियन की है, दूसरी पोस्ट प्लम्बर की है, तीसरी पोस्ट डक्टमैन की है। इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो जो वीज़ा मिलने वाला है दोस्तों वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलने वाला है, मीन्स विजिट टू एम्प्लॉयमेंट का कोई सीन नहीं है, यानी आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलने वाला है। और दूसरी बात करें कि ईसीआर और ईसीएनआर दोनों ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास चाहे ईसीआर पासपोर्ट हो चाहे ईसीएनआर वाला हो, दोनों ही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो इसमें 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और वर्किंग टाइम की बात करें दोस्तों तो इसमें वर्किंग टाइम 8 घंटे का होगा, बाकी 2 से 4 घंटे आपको ओटी कंपलसरी होगा। याद रखिए, मिलेगा नहीं कंपलसरी होगा, मतलब आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% ये मिलना है आपको। और साथ ही साथ मैंने ये बता दिया दोस्तों कि इसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। और इसमें सैलरी की बात करें तो तीनों कैटेगरी में आपको यानी इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर और डक्टमैन में सैलरी की अगर बात करें तो 1200 आपको जो मिलने वाला है दिरहम्स, यानी यूएई की जो करेंसी होगी आपको वो 1200 मिलने वाली है 8 घंटे के। बाकी जो आप करेंगे ओटी वगैरह करेंगे तो आपका बहुत अच्छा शानदार सैलरी बनने वाला है दोस्तों। तो इस जॉब में आपको अप्लाई कैसे करा दोस्तों तो मैं बता दूं, ये 15/5/2030 को इसका इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है बनारस में, नियर दीनबंधु इंटर कॉलेज मड़िया पड़ाव वाराणसी। ध्यान से सुन लीजिएगा एड्रेस, नियर दीनबंधु इंटर कॉलेज मड़िया पड़ाव वाराणसी, यानी वाराणसी अगर आप स्टेशन पहुंचते हैं वहां से बोलेगा हमको पड़ाव जाना है, पड़ाव से जो है आप दीनबंधु इंटर कॉलेज मड़िया में चले जाइएगा। वहीं पे जो है आप पूछ लीजिएगा कि जो गवर्नमेंट जो एजेंसी है जो लोगों को बाहर भेजती है बाहर विदेश में काम करने के लिए, वो कहाँ पे, तो लोग आपको जरूर मार्गदर्शन कर देंगे। आप वहाँ आके जो इंटरव्यू दीजिए और आप अपनी एक सीट पक्की कीजिए। फिर से वही एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको विदिन सेकंड मिल सके, जैसे ही हम अपलोड करें वीडियो तैसे ही आपको मिल जाए दोस्तों। कोई और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नई जॉब के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।